मेरा पुत्र भी गैब किया, दो साडे घर परौने आए वह भी उन्होंने गैब किए, कोई साडा जुनम कढ़ना सी बैठे हैं इत्थे, आण किधर लुके बैठे हैं, साडे कोल आण। उनके पास डंडे थे, राड़ थे, बच्चे भी डर गए, मेरी ये टांगे दोनों तोड़ दी। 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है, 1 करोड़ से 25 लाख पे आए हैं। मैनू भी मारे है, मेरी लत सुची पई है सारी, सोटियां 3 मारियां 1 लत ते, साड़ियां खिड़कियां तोड़ गए, साडे बच्चियां नू छोटा, मेरा 8 साल का बच्चा है ओनू सोटी, मेरी 7 साल की बच्ची ओनू भी सोटी, साड़ी छोटी बच्चियां नू भी मारते आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामाइन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं गुजर कलोनी में और यहाँ एक घर है जिनका कहना है कि रात के 1 बजे पुलिस आती है और बाहर से सीढ़ियाँ लगाकर इनकी छत पर चढ़ जाती है और सबको तशद्दुद का निशाना बनाती है, जिनमें अशरफ नामी शख्स की टांगें तोड़ दी जाती हैं, उनकी अहलिया घर वालों पर भी तशद्दुद किया जाता है और उनके कुछ बंदों को पुलिस उठा कर थाने में ले जाती है। सारा मामला किस तरह से पेश आया इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई बताइएगा, क्या फर्द जुर्म आप पर आयद की गई, किस जुर्म के तहत ये सारा जो है वो कार्रवाई की गई? जी जुर्म का तो पता नहीं, हम तो सोए पड़े थे, पुलिस आई है, तकरीबन 3-4 गाड़ियां थी, उन्होंने बाहर से सीढ़ियां लगाई हैं, सीढ़ियां लगा के अंदर एंटर हो गए, उन्होंने आना ही तशद्दुद शुरू कर दिया, हम तो खौफ ज़्यादा हो गए। आते ही उन्होंने मारधाड़, कोई बात नहीं की? उनके पास डंडे थे, राड़ थे, उन्होंने आने ही मारधाड़ शुरू कर दी है, खौफ ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे भी डर गए, मेरी ये टांगे दोनों तोड़ दी हैं। आपने आगे से कोई मज़ाहमती अमल नहीं किया? सर मज़ाहमती अमल मैं, हम उधर इतना खौफ ज़्यादा हो गए, हम उधर क्या करते, ठीक है ना, दोनों टांगे तोड़ दी और घर की तलाशी लेना शुरू कर दी है, घर से कुछ जेवर निकला लेके गए हैं, कुछ पैसे थे वो ले गए हैं लोग, ठीक है ना, तो एक मेरा भाई दूसरा था उसके साथ भी ऐसे किया और मेरे साथ, उसको भी मारा? हाँ जी, उसकी एक टांग टूटी है, मेरी ये दोनों टांगे तोड़ दी। खवातीन पर भी तशद्दुद किए? हाँ जी हाँ जी, खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद किए, उनके ऊपर भी डंडे मारे हैं। और कितने आपके घर के फ़र्द जो हैं वो उनको अरेस्ट करके वो ले गए साथ? 4 फर्द थे, एक मेरा वाला साहब था, ठीक है, एक मेरा भतीजा था, 2 मेरे रिश्तेदार थे, ठीक है ना, जो रिश्तेदार था ना उन्होंने उनके सर में डंडा मारा है मेरी आँखों के सामने, उसका मौके भी सर फट गया, ठीक है, और उसको अभी साथ ही वो उठा के ले गए। तो आपने ये सारे असना के बाद 15 पे या किसी और अदारे को कॉल करने की कोशिश की? जी सर 15 पे कॉल की है, 15 वालों को मौका बताया है, ठीक है, लेकिन पुलिस नहीं आई। कॉल के बाद भी पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस बिल्कुल नहीं आई, रेक्सीओ 11 आई है, उन लोगों ने फिर अपनी तरफ से भी कॉल किया कि ये पुलिस केस है, आप लोग आए, उन 15 पे उन लोगों ने भी कॉल की है, वो नहीं आए हैं, ठीक है ना, फिर एक्सी 11 वालों ने बोला कि आप ऐसा करें हॉस्पिटल में चले, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, रिकॉर्ड तो 15 का चला गया है, वहाँ पे भी पुलिस है, हस्पताल में भी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे मेरा ना रिकॉर्ड बयान उन्होंने लिए हैं, लेकिन मुतलका एरिए की पुलिस नहीं आई है। तो उसके बाद जब ये काम हो गया तो जो हमारा भाई है छोटा और दूसरा बड़ा भाई वो थाने गए हैं दरख्वास्त देने के लिए भी ये हमारे साथ क्या हुआ है, ऐसे ऐसे पुलिस आई है, वो पुलिस मानी नहीं। जो मुतलका थाना आपके घर के पास है उन्होंने इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि कोई पुलिस नहीं आई? हाँ जी, उन्होंने मना कर दिया कि पुलिस आई नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो कैसे पता चला आपको कि वो पुलिस थे? वो हमें ऐसे वर्दियाँ डाली हुई थी उन लोगों ने। किस थाने से आपके बंदे बाद में बरामद हुए हैं जो पकड़ के ले गए थे वो? वो कतवाली थाने में जब जाके पता चला, जब हमने प्रेस क्लब के सामने जब धरना दिया है ना तब जाके पता चला है कि कतवाली थाने में, जब जाके पता चला मेरे वाले साहब ने फ़ोन किया मेरे बड़े भाई को कि कतवाली थाने में हमें लेके आए हुए हैं, तो आप ऐसा करें कतवाली थाने में आए। जब आपने ये मामला दरियाफ्त किया हमसे कतवाली थाने जाकर के आपके हमारे बंदे क्यों उठा कर ले करके आए हैं आप, तो क्या उन्होंने इसके बदले में क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने पैसों की डिमांड की है, पहले 1 करोड़ रुपये की डिमांड की है, 1 करोड़ से 25 लाख पे आए हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो 7 लाख पे आ गए। तो मीडिया हमारे साथ थी, उनको पता चल रहा था, हर खबर की उनके पास नज़र थी, जारी बात है उनके लोग भी बीच में छोड़े होंगे, पुलिस वालों के अहलकार भी बीच में होंगे ना, वो 1 मिनट की एक खबर बता रहे थे, उन्होंने ये सिर्फ मीडिया की वजह से उन लोगों ने हमें छोड़ा है, नहीं तो वो पैसों की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, 7 लाख पे आए हुए थे। कितनी देर आपके बंदों को अंदर रखा उन्होंने? 24 घंटे। जब आपके बंदों को पकड़ कर ले गए हैं उधर थाने में भी कोई उन पर तशद्दुद किया है या सिर्फ ये घर में ही जो हुआ है? सर थाने में मेरी तो टांगें टूटी हुई हैं, वो तो उनको पता होगा ना उनके ऊपर क्या तशद्दुद किया क्या नहीं किया। जो बाकी आपके कज़न वगैरह बंदे जो रिश्तेदार आप बता रहे हैं उन्होंने आगे आपको बताया नहीं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया उधर? सर देखो उन्होंने ये तो नहीं मुझे बताया, खैर हो सकता है मेरी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने,
बोला अभी ठीक है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है कि आपको कैसे इंसाफ फराहम किया जाए? देखो जी, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। मेरा जुर्म पूछा जाए, मेरा जुर्म क्या है, और जो कोतवाली थाने वाले उनको सख्त से सख्त सजा और कटारे में ला के खड़ा किया जाए। सिर्फ मेरी तो यही मुतालबा है और कुछ मेरा मुतालबा नहीं है। जी नाज़रीन और सामाईन, आपने सारी गुफ्तगू जानी किस तरह से पुलिस रात के 1 बजे के बाद घर में आती है और मारपीट शुरू कर देती है और ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाती है और घर में जेवरात भी ये बता रहे हैं कि वो उठाकर ले जाते हैं और ये पुलिस अहलकार अपने पूरे महकमे के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। तो हकामे आला से इल्तमास है, जो ऐसे अफराद पुलिस के बेस में शामिल हैं और पुलिस महकमे को गंदा करते हैं, पूरे का पूरा महकमा जो है वो इसकी वजह से गंदा हो जाता है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जितने भी हमारे भाई हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है इनको भरपूर इंसाफ दिया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।